दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन, दूसरी दुनिया या अमर प्राणी, वो असल जिंदगी में भी हो सकते हैं? क्या ये सब सिर्फ काल्पनिक हैं या विज्ञान ने इन्हें सच कर दिखाया है? आज हम आपको ऐसी चौंकाने वाली वैज्ञानिक खोजों के बारे में बताएंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। ये जानकारियां आपको न सिर्फ हैरान करेंगी, बल्कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या इंसान वाकई विज्ञान के दम पर असंभव को संभव कर सकता है। तो चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं एक अनोखी यात्रा पर, जहां विज्ञान और कल्पना के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। शुरुआत करते हैं टेलीपोर्टेशन से। आपने कई फिल्मों और टीवी शोज में देखा होगा कि कैसे कोई इंसान एक जगह से गायब होकर पलक झपकते ही दूसरी जगह पहुंच जाता है। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन विज्ञान ने इसे सच कर दिखाया है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन नाम की इस प्रक्रिया में वस्तुएं या इंसान टेलीपोर्ट नहीं होते, बल्कि उनकी जानकारी यानी डेटा एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी माध्यम के पहुंचाई जाती है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें क्वांटम पार्टिकल्स की स्थिति को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन सोचिए अगर भविष्य में हमें कहीं जाने के लिए बस अपनी जानकारी भेजनी पड़े। ये सिर्फ हमारे संचार के तरीके को ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन को भी पूरी तरह से बदल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर हम अपनी जानकारियां या डेटा बिना इंटरनेट, बिना किसी फाइबर ऑप्टिक केबल के सीधा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, तो इस तकनीक को वैज्ञानिकों ने कुछ हद तक संभव कर लिया है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह विकसित होने में समय लगेगा। फिर भी अगर यह तकनीक सफल हो जाती है, तो एक दिन हमारी दुनिया की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। शायद आपको कहीं जाने के लिए अब हवाई जहाज या ट्रेनों की भी जरूरत ना पड़े। अब जब हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो चलिए उस सबसे बड़े रहस्य पर चर्चा करते हैं, जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। हमारी आंखें जो देख पाती हैं, वो असल में सिर्फ 5% ब्रह्मांड है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। ये अदृश्य ताकतें ब्रह्मांड की संरचना को बांधकर रखती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों के पास इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। यहां तक कि यह भी एक बड़ा सवाल है कि अगर हम इसे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो हमें कैसे पता है कि यह मौजूद है? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव। डार्क मैटर का पता हम इस बात से लगाते हैं कि यह अन्य वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे डालता है। अगर हम इस रहस्य को सुलझा लें, तो यह हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा 95% ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी है? अब जरा सोचिए, इंसान के शरीर में मौजूद जीन को बदला जा सके। CRISPR नाम की जीन एडिटिंग तकनीक ने इसे मुमकिन कर दिया है। इससे न केवल बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, बल्कि हम भविष्य में इंसान की उम्र को भी बढ़ा सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का उपयोग करके जानवरों में कई प्रयोग किए हैं, और इंसानों पर भी इसके सफल परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज या फिर जन्म से होने वाली जीन की गड़बड़ियों को ठीक करना अब एक हकीकत बन सकता है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी खोज के साथ होता है, इसके साथ भी कई नैतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इंसानों के जीन के साथ छेड़छाड़ करना सही है? क्या इसका गलत उपयोग हो सकता है? ये सवाल विज्ञान को उतना ही चुनौती देते हैं, जितना कि इसके लाभ हमें आश्चर्यचकित करते हैं। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे जीवों की जो आपको शायद असंभव लगे। टार्डिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है, ये छोटे से जीव दुनिया के सबसे कठोर हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। ये जीव अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी जीवित रह सकते हैं, जहां हवा नहीं होती। ये 200 डिग्री सेल्सियस की ठंड या 150 डिग्री सेल्सियस की गर्मी भी सह सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन्हें अंतरिक्ष में भेजा, तो ये बिना किसी नुकसान के वापस लौट आए। ये प्राणी इतना अद्भुत है कि वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये किसी भी परिस्थिति में खुद को जीवित रखता है। सोचिए, अगर इंसान भी टार्डिग्रेड्स की तरह किसी भी कठिनाई का सामना कर सके, तो अब चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की तरफ। आज AI केवल हमारे स्मार्टफोन या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है,
यह धीरे धीरे हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। AI अब सिर्फ इंसानों द्वारा प्रोग्राम नहीं की जाती, बल्कि वह खुद से सीखती है, खुद को अपडेट करती है। एक उदाहरण लेते हैं, अल्फा गो, एक ऐसा AI जो गो नामक खेल में इंसानों को हराकर जीत गया, और वो भी बिना किसी इंसानी मदद के। AI अब इतने उन्नत हो चुके हैं कि वो खुद निर्णय लेने लगे हैं। ये रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी। सोचिए, एक दिन AI इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो इंसानों से भी बेहतर सोचने और फैसले लेने लगे। क्या होगा जब रोबोट्स हमारे समाज में प्रमुख भूमिका निभाने लगेंगे? क्या वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, या फिर इंसानों के साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाएंगे? आखिर में बात करते हैं एक ऐसे सिद्धांत की जिसने विज्ञान जगत में खलबली मचा दी है, मल्टीवर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अलावा भी कहीं और ब्रह्मांड हो सकता है? वैज्ञानिक अब मानते हैं कि मल्टीवर्स का सिद्धांत असल में सच हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कहीं और कई ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां चीजें बिल्कुल अलग हों। सोचिए, किसी और ब्रह्मांड में आपका एक और रूप हो सकता है जो बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहा हो। हो सकता है वहां की फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अलग हो। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और अगर यह सिद्धांत सच साबित होता है तो यह हमारी सोच की सीमाओं को पार कर देगा। हम अपनी दुनिया को ही नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को नए नजरिए से देखेंगे। दोस्तों, क्या आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारियां हैरान कर गईं? क्या आप भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भविष्य में और कितनी चौंकाने वाली खोजें हो सकती हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इन अद्भुत खोजों के बारे में जान सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियां चाहते हैं तो हमारे चैनल अनोखी कहानी को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।